विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की भी शादी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। आई होप आप लोग ने लास्ट का ब्लॉग देख लिया होगा। अगर लास्ट का ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग गो एंड चेकआउट माई लास्ट ब्लॉग, जो मैंने पूरा क्लाइंट कोऑर्डिनेशन पूरा फाइनल उस पर बनाया था। तो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ जाके आप देख लें। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैंने मेरे कुछ व्लॉग्स पहले लास्ट व्लॉग्स में मैंने कहा था कि हम लोग मतलब एक नए ट्रिप पे जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, बट मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। ट्रिप कह लो या कुछ भी कह लो, वो आपको धीरे धीरे व्लॉग्स में पता चल जाएगा। सो अभी उसकी तैयारी है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल निकल जाने वाले हैं। सो पैकिंग अभी वही चल रहा है, पैकिंग काफ़ी दिन से चल रहा था। पैकिंग अभी हेयर कट भी करवा लिया है, सो ऐसा कुछ हेयर कट करवाया है, जस्ट कमेंट करना कैसा लग रहा है। और पैकिंग करते हैं एंड व्लॉग में ट्यून रहना, स्टे ट्यून इन द व्लॉग। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस पर्पज़ से जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है साथ में। सो जस्ट स्टे ट्यून। सो गाइस, पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये सारे कपड़े, ये पूरा बैग, ये पूरा इस साइड का भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। ऑलमोस्ट लाइक एक वीक के लिए, मतलब 6-7 days के लिए तो हम लोग जा ही रहे हैं। तो ये पूरा है, ये पूरा है डन। ये बड़ी मुश्किल से बंद हुआ है, अभी भी इतना खुला हुआ है। अभी इसकी चेन बंद कर देते हैं, और एक बार चेन बंद कर दी तो बस डन। दबा दबा के बंद करना पड़ रहा है। अपना बैग रेडी है। ये बैग अगर मैं आपको बताऊँ, ये मैंने कोरोना जब फर्स्ट वेव जो आया था ना, उस ड्यूरेशन से थोड़ा पहले लिया था, ट्रैवलिंग के लिए ही लिया था। छोटा सा, मेरे को बहुत पसंद आया था। स्काई ब्लू कलर का VIP वाला बैग है। सो आज ये काम आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 साल बाद। पैकिंग गाइस हो गई है सारी, और कल निकलना है। सो आज रात को थोड़ा जल्दी सो जाना पड़ेगा। कल ऑलमोस्ट 10 बजे हम लोग निकल जाने वाले हैं। जो मतलब डेली बेसिस पे होता रहेगा, मैं आपको पूरा व्लॉग में दिखाऊँगा। काइंड ऑफ रॉ व्लॉग रखूँगा इसको, और जहाँ जाएंगे वो भी आपको मतलब ये व्लॉग में या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट व्लॉग तक पता चल जाएगा। वी आर एट बड़ोड़ा रेलवे स्टेशन, गोइंग टू अहमदाबाद। अभी पहले अहमदाबाद जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस, वी हैव रीच्ड अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद पहुंचे, बड़ोड़ा से बैठे थे, अहमदाबाद आए। अहमदाबाद से और आगे जाना है एक्चुअली। अहमदाबाद में एक हॉल्ट है, और फिर अहमदाबाद से हमारी दूसरी ट्रेन है। सो अहमदाबाद से आगे जहाँ जाएंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। बस जस्ट अहमदाबाद उतरे हैं। ये पीछे AC वेटिंग रूम है, तो यहाँ पे हम लोग हॉल्ट ले रहे हैं। तो अभी शाम को 6-6:30 बजे की ट्रेन है हमारी दूसरी। सो जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, आपको व्लॉग में पता चलता रहेगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड, कहाँ जा रहे हैं, कैसे रहेंगे, सब मैं बताऊँगा आपको। ये पूरा इधर वेटिंग रूम है, और यहाँ से सीधा वहाँ से चल के आना है इतना एंड में। ये अहमदाबाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि AC का जो वेटिंग रूम है एकदम एंड में है। यहाँ पे जनरली बीच में होता है प्लेटफॉर्म में, एक नंबर पे, पर बिल्कुल एक नंबर के प्लेटफॉर्म से इधर वहाँ बहुत आगे है एक नंबर का प्लेटफॉर्म, वहाँ से यहाँ आना है और फिर वेटिंग रूम है। अभी हमें वापस 9th नंबर के प्लेटफॉर्म पर जाना है शाम को। ऐसा कुछ है अहमदाबाद का स्टेशन।
गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, ये रही, और अभी कुछ 5:30 बज रहे हैं, 6 बजने वाले, 6:30 बजे यहाँ से निकलेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वी आर एट जयपुर एज ऑफ नाउ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, सॉरी 4:15 बज रहे हैं। अभी थोड़ा आवाज़ धीरे आ रहा होगा आपको। जयपुर क्यों आए वहाँ आपको मैं घर जाके बताऊँगा। हम लोग जहाँ जाने वाले हैं, जहाँ स्टे कर रहे हैं, मैं वहाँ जाके बताऊँगा आपको। फिलहाल वी आर इन द पिंक सिटी, आवाज़ थोड़ा स्लो आ रहा होगा। और अभी 11 डिग्री है यहाँ पर, बहुत ठंड है यहाँ पर। Just stay tuned, सब पता चलेगा धीरे धीरे व्लॉग में आपको। We have reached a location जहां हमें आना था। अभी धीरे धीरे बताऊंगा कहाँ आए, क्यों आया, सब पता चलेगा। सो गाइज, वी आर इन जयपुर एज ऑफ नाउ। बड़ौदा से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से फिर हम लोग ने वहाँ पे हॉल्ट लिया, एंड अहमदाबाद से देन हमने जयपुर की ट्रेन 6:30 की पकड़ी, और फिर अब हम जयपुर पहुँचे सुबह के 4 बजे। 4 बजे से हम लोग सीधा वहाँ पे स्टेशन पे वेट कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। सो 4 बजे से 6 बजे तक हमने स्टेशन पे हॉल्ट लिया, एसी वाले वेटिंग रूम में चले गए थे, एंड देन वहाँ से अभी हम नाउ वी आर होम। सो जयपुर क्यों आए हैं वो भी मैं अभी नहीं बताऊँगा, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा, शायद आपको कुछ रिकॉल हो रहा हो। फुल फैमिली के साथ आए हुए हम लोग जयपुर, मैं, मम्मी, भैया, पापा, सब लोग, एंड और भी सारे फैमिली मेम्बर्स सब आने वाले हैं। वैसे जयपुर में बता दूँ तो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की भी शादी है, सबको पता ही होगा। एंड ये जिया को हम लोग ने हॉस्टल में छोड़ रखा है, सो शी इज़ ओके। मेरे को रोज वो कल से लेकर आज तक के सारे वीडियोस क्लिप्स आए हुए हैं, खाना खा रही है, परेशान हो रही है, जो भी है, जैसा भी है, वो वीडियोस शेयर करे जा रहे हैं। सो शी इज़ एज ऑफ नाउ ओके। उसका भी इस बार आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जब हम लेने जाएंगे तो मैं व्लॉग शूट करूँ। इस बार जब ड्रॉप करने गए थे तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, वो आपने व्लॉग में देख लिया होगा। सो विल ट्राई, देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाएगा तो लेने जाएंगे तो कैसा रिएक्शन रहेगा, क्योंकि इस बार के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, वी आर इन लाइक यू नो 5-6 या 7 डेज के लिए हम लोग वी आर इन जयपुर एज ऑफ नाउ। सो लेट्स सी। जैसे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी में तो नहीं, पर हाँ किसी खास चीज़ के लिए ज़रूर आए हुए हम लोग यहाँ जयपुर में। वो क्यों आए वो आपको ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल ही जाने वाला है। फिलहाल आपको कुछ ना कुछ डेकोरेशन से या कुछ मेरी बातों से या मेरा अगर आपको लास्ट व्लॉग अगर आपको शायद याद आ जाए तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पे जयपुर में क्यों हैं। दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं व्लॉग्स को बहुत छोटा छोटा रखूँ, क्योंकि एडिटिंग में ना मेरी बैंड बच जाती है। एक तो मैं आईफोन से शूट करता हूँ तो क्या हो रहा है ना, 4K और HD के दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब 4K में जब मैं एडिट करने जाता हूँ तो दिक्कत क्या आती है कि 4K वाला जो मैं लैपटॉप में उसके जो क्लिप्स है लैपटॉप में ट्रांसफ़र करता हूँ तो वो एडिटिंग में बहुत हैंग हो जाता है लैपटॉप एंड द सॉफ्टवेयर इज़ वेल। तो अब मेरे को HD में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर एडिटिंग करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत मतलब मैशअप हो जाता है और बहुत हैक्टिक हो जाता है। पहली बात तो ये है। सो स्टिल मैं ट्राई करूँगा छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊँ, एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करने वाला हूँ। सो छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाने का ट्राई करने वाला हूँ इस टाइम। सो गाइज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ब्लॉग को लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर जाना। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना लिंक को, मेरे वीडियोज़ को, बिकॉज आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाऊँ और अच्छे व्लॉग बनाऊँ, एंड देखते हैं कैसे जाता है। बट ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग है, पसंद आया तो लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर जाना, कमेंट करके ज़रूर जाना। एंड जयपुर में देखते हैं अभी आगे का कैसा स्केड्यूल रहता है, क्या क्या रहेगा, कहाँ घूमना है, क्या करना है, अभी कुछ प्लान आउट नहीं किया हुआ है, बट देखते हैं जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा व्लॉग में आपको पता। सो यस, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। फिलहाल के लिए तो आज का ये डेकोरेशन है। बाय बाय।